लैपटॉप चला दे, ये करो फटाफट कर दे। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं डॉक्टर प्रीतम सिंह गुर्जर स्वागत करता हूं आपका डिजिटल एनसी क्लासेस पर। और बेटा आज आप लोग जेट का एग्जाम दे के आए हैं, ज्यादातर बच्चे बहुत उत्साहित थे, बहुत अच्छा पेपर हुआ है। कारण पेपर भी बड़ा इजी था, आप लोगों ने मेहनत भी की, लेट हुआ लेकिन अच्छा हुआ। जो आप लोगों को ICAR में पेपर ने थोड़ा सा परेशान किया था, तो जेट ने उसी लेवल पर आप लोगों को खुश कर दिया। लेकिन अब खुश होने के साथ साथ थोड़ी सी ये बात भी है कि जब पेपर इजी हो जाता है तो एक तो मिस्टेक गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहली चीज। इजी पेपर में गलतियां ज्यादा होती है बेटा। दूसरी चीज कट ऑफ बढ़ जाती है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, वो चीज जो एनसीए से जुड़े हुए बच्चे हैं उन लोगों ने एक चीज देखी होगी कि आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न था, पेपर का जो लेवल था, पेपर में जो क्वेश्चंस थे, 90-95% क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एज ए टेज जो आपकी कॉपी में लिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, उसमें से आए हैं। हूबहू क्वेश्चंस आपको मिले हैं, एज ए टेज एनसीए के जो पेपर्स थे उसी के बिल्कुल एज ए टेज आपको क्वेश्चंस मिले हैं। दूसरी एक आप लोगों ने चीज नोटिस की होगी, चाहे वो एनसीए का बच्चा जुड़ा हुआ नहीं था लेकिन अपने एनसीए से यूट्यूब पर जुड़ा हुआ था, तो हमने जो लाइव एमसीक्यू सेशन चलाया था, लाइव एमसीक्यू सेशन में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो बेटा हम आप लोगों के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, आप लोगों ने परफॉर्म किया है। कितना आप करके आए हैं, क्या उसकी कट ऑफ वगैरह रह सकती है, क्या आंसर्स हैं, ठीक है, उस पर अपन बात कर रहे हैं। और उसी क्वेश्चंस के आंसर्स अपन, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं अभी, इसके बाद थोड़ी देर बाद आपके बायो का और एग्रीकल्चर का भी पेपर अपन सॉल्व करवाएंगे। तो एक तो पेपर आप लोगों का सबका अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा उसमें सही चीजें आई कि नहीं आई। पेपर इजी था, बिल्कुल अच्छा पेपर था, मेहनत आप लोगों की बेकार नहीं गई है। चलिए तो मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं बेटा। बिल्कुल क्वेश्चंस सारे वही थे जो ने हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाए थे, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, एज इट इज क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ग्लूकोज C6H12 O6 का अणुभार कितना होता है, तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 180 होता है, ठीक है। अणुभार निकालना मैंने आप लोगों को बताया ही था, परमाणु क्रमांक सम संख्या में दुगना, विषम संख्या में दुगने से एक ज्यादा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था आपका चौथा, पहले क्वेश्चन का आंसर मतलब ये मैं ए सीरीज का पेपर करवा रहा हूं आप लोगों को, ये जो मेरे पास है वो ए सीरीज का पेपर है, ठीक है, इसका मैं आप लोगों के बार कर रहा हूं, उसके बेसिस पे आप लोग अपने आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो आपके पास क्या हो गई बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 180। दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो द्रव्यमान संरक्षण लेवोशियर ने दिया था, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है पहला फर्स्ट है, दूसरे का आंसर पहला है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तीसरा, और तीसरे क्वेश्चन का आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन है वह कि किसी क्वांटम संख्या में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होती, यह क्या कहलाता है, कितनी बार आप लोगों को बताया है, तो यह कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। ऑल थ्री क्वांटम नंबर्स ऑफ वैल्यूज फॉर ऑल फोर क्वांटम नेवर बी सेम फॉर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ, तो यह किसका होता है, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल होता है, पाउलीज का अपवर्जन सिद्धांत होता है कि चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं होती, अधिकतम तीन क्वांटम संख्या समान होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब उसका आंसर क्या हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। नेक्स्ट, ओ माइनस ऋणायन का सम इलेक्ट्रॉनीय है, सब बिल्कुल ये क्वेश्चन पूरे करवाए हुए हैं, हर क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। ओ माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हैं, एफ माइनस में, तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है थर्ड, एफ माइनस, एफ माइनस के ये सम इलेक्ट्रॉनीय है, एफ माइनस के सम इलेक्ट्रॉनीय है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है बेटा,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया की आकृति कैसी होती है? अमोनिया में क्या होता है? NH3 एक लोन पेयर होता है, sp3 संकरण होता है इसमें, sp3 संकरण एक लोन पेयर होता है, तो त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय पिरामिडी, ट्राइगोनल और पिरामिडल होता है। हालांकि पिरामिडल भी है, लेकिन अब जब त्रिकोणीय आ गया साथ में तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अमोनिया की आकृति का जो सही आंसर है वो क्या बेटा? त्रिकोणीय पिरामिडी, ट्राइंगुलर पिरामिडल है। फिर आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरणांक, तो Mn का ऑक्सीकरणांक आप x मान के निकालोगे तो क्या आएगा बेटा यहां पर? +6 आएगा। तो K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरणांक कितना है? +6। K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। आप निकालना जानते ही हैं, Mn का क्या हो गया x, K का +2, ऑक्सीजन का -8 बराबर 0, x -6 बराबर 0, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस के 6। तो Mn K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 7, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है, ठीक है, मेन रोल ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अग्र अभिक्रिया की दर, ये समान रूप से क्या करता है? अग्र प्रतिक्रिया की वेग को बढ़ाता है, एनर्जी को क्या कर देता है? कम, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है तो इसकी वजह से क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया के पथ में परिवर्तन जिससे अग्र, जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर है। सेकंड इसका राइट आंसर है कि ये सक्रियण ऊर्जा क्या कर देता है? कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा कम कर देगा तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी, क्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बेटा क्या? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सेकंड है। अभिक्रिया को दर को बढ़ाने के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का स्थिरांक हो जाता है, इसे अभिक्रिया अपन बोलते हैं, क्वोशेंट भी बोलते हैं, और ये 2 से 3 गुना होता है, लेकिन मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो इसमें 2 भी है और 3 भी है। ठीक है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, तो यहां पर क्या होगा? करीब 2 गुना, लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर क्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, जिसे ताप गुणांक कहते हैं, टेम्परेचर क्वोशेंट कहते हैं। ठीक है, तो ताप गुणांक कहते हैं, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 8वें का आंसर आपका दूसरा, NH2- संयुग्मी अम्ल है, NH2- का संयुग्मी अम्ल है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैंने कॉपी में भी ये कई बार करवाया आप लोगों को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? NH3, क्योंकि इसका संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है, ये क्षार है और NH2- क्या है? क्षार, बेस है। तो क्षार की प्रॉपर्टी क्या होती है? या तो OH दे या तो H प्लस ग्रहण करे, OH तो है ही नहीं इसमें, H प्लस ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? NH3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? NH3। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है NH3। विनोद कुमार कह रहे हैं इसके बाद प्रीपीजी का पेपर सॉल्व करो, बिल्कुल विनोद प्रीपीजी का भी सॉल्व करवा देंगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या आ गया हमारे पास? सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक पीएच परास 8.3 से 10 पर कार्य करता है? तो बिल्कुल ये मैंने सूचकों की आपको सारणी बनवाई थी, डायरेक्ट उस सारणी में से क्वेश्चन है, और वो किसका होता है? क्षारीय सूचक होता है फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन का पीएच परास 8.3 से 10 होता है। फिनोप्थिलीन का पीएच परास कितना होता है बेटा? 8.3 से 10 होता है, डायरेक्ट मैंने आप लोगों को बनवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है सेकंड। ये पेपर सीरीज में ए बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है,
एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हों, दोस्त हों, उन सब तक ये एक बार इसकी लिंक शेयर कर दो, ताकि वो भी अपना पेपर चेक कर सके, वो भी अपना पेपर देख सके क्या परफॉर्म किया है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को, 94 बच्चे लाइक हैं, लाइव चल रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ सभी के सभी, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इससे जुड़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट बात अपन करते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, तो द्रव विरोधी कोलाइड कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय। और द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय होते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट मैंने पॉइंट आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया बेटा? सेकेंड हो गया, अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं ये, ठीक है, अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन पिछली साल भी आया था जेट में, पिछली साल के 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं केमिस्ट्री में, पिछली साल के 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं केमिस्ट्री में। तो ब्राउनियन गति की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउनी गति की खोज पिछली साल भी आया था, ये इस साल भी आया, रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति की खोज की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसमें आ रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु के लिए प्राप्त करने में प्रयुक्त होती है? ये बिल्कुल क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया हुआ है, कई बार अपने जो वीकली टेस्ट होते हैं उनमें दिया हुआ है, ठीक है। तो गलित Al2O3 में क्रायलाइट का विद्युत अपघटन कराने पर क्रायलाइट क्या करता है? उसके गलनांक को कम कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए क्या करते हैं? गलित Al2O3 एल्यूमिना में क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो राइट आंसर है 13 का क्या बेटा? फर्स्ट। 13 का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट। सभी स्टूडेंट लाइक और शेयर कर दे बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं तो आपको भी मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो गया बेटा? फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूं अब, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है सल्फाइड, ये भी लास्ट पिछली साल क्वेश्चन आया था, ठीक है। सल्फाइड एस्को के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो सल्फाइड एस्को का सांद्रण कौन सी विधि द्वारा होता है बेटा? झाग बलन विधि द्वारा होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से होता है। सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। सैकड़ा लग चुका है लाइव बच्चों का, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक और शेयर करें। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज होता है किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। लास्ट ईयर भी आया था, और कितनी बार, हर बार मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, ठीक है। तो झाग बलन विधि 14 का आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निर्जलीकृत Na2CO3। अब देखिए यहां पर आपको ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, ये जो Na2CO3.10H2O जो होता है उसे तो कहते हैं अपन धावन सोडा। Na2CO3.10H2O को धावन सोडा कहते हैं, लेकिन इसको गर्म कर देते हैं तो इसमें से 10H2O निकल जाते हैं और सोडा राख बच जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सोडा एस। इसमें कई बच्चे गड़बड़ी करके आ गए हैं, या कुछ बच्चों से इसमें कंफ्यूज हो गया उनका, और उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर? धावन सोडा कर दिया। तो धावन सोडा इसका आंसर नहीं, ओके, इसका आंसर है सोडा एस, ठीक है, सोडा राख, सोडा एस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है बेटा क्या है? फर्स्ट, सोडा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो यह भी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया था कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाते हैं? OS और RU, जो कितनी दर्शाते हैं? +8। और फिर बोला था ये ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर क्या जाएगा? MN +7। तो OS और RU यहां पर है नहीं है, इसलिए आंसर क्या जाएगा? MN। और वैसे भी इसने क्या दर्शा रखा है? +7 लिखा हुआ है, तो +7 किसकी होती है? MN की होती है, ठीक है, MN की होती है, +7, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बेटा आपके पास यहां पर क्या हो गया? MN। 16 का आंसर हो गया थर्ड, वेरी गुड। सोनाक्षी, मीनाक्षी शर्मा 15 के 15 अभी तक सही है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आपका। चलिए तो 16 का आंसर हो गया आपके पास क्या? थर्ड, 17।
वात्याभट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, वात्याभट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। देवेंद्र सिंह राणावत प्रणाम सब। अच्छा आप लोग बताइए वात्याभट्टी में आयरन ऑक्साइड किससे अपचयित होता है? इन ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस बाय, आयरन ऑक्साइड किससे अपचयित होता है? वात्याभट्टी में आयरन ऑक्साइड का अपचयन किससे होता है? आप लोगों ने क्या आंसर लगाया? ओके देखिए वात्याभट्टी में जो आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड जो एस्क होते हैं वो कार्बन अपचयन विधि द्वारा अपचयित होते हैं। किससे अपचयित होते हैं बेटा? कार्बन अपचयन विधि द्वारा अपचयित होते हैं। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सेकंड, ठीक है, कार्बन अपचयन विधि द्वारा अपचयित होते हैं, कार्बन अपचयन विधि द्वारा होते हैं। 17 का आंसर सेकंड, कार्बन अपचयन विधि द्वारा। नेक्स्ट 18, यह क्वेश्चन भी कई बार अपन ने पूछा हुआ है, बताया हुआ कि जनरली यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन आएगा तो क्रोमियम या कॉपर का आता है। क्रोमियम बताया था 3D5 4S1 और कॉपर होता है 3D10 4S1। तो क्रोमियम का विन्यास क्या होता है बेटा? 3D5 4S1। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया, ठीक है, 3D5 4S1। नेक्स्ट आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता है? तो ज्वाला परीक्षण में मैंने बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट करके आप लोगों को लगाया हुआ था। और ज्वाला परीक्षण कौन कौन नहीं देते हैं? मैंने बताया था बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बेरिलियम, ठीक है, जबकि पोटेशियम इसमें बैंगनी रंग देता है, सोडियम इसमें पीला रंग देता है, स्ट्रोंशियम इसमें लाल रंग देता है, ठीक है, तो इसलिए इसमें बेरिलियम ज्वाला परीक्षण नहीं देता है। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होते हैं? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। ये भी 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है वो क्या होते हैं बेटा? प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है Zn+2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? Zn+2 प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? 0 रहेगी। ओके चलिए, ये मैं ए सीरीज का आपको करवा रहा हूं, बाकी आप अपने अपनी सीरीज के हिसाब से आंसर्स मिलान कर सकेंगे इसमें। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया बेटा 21, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण में भूमिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज ए रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर? तो ये किसकी होती है बेटा? फास्फोरस की होती है ना, ऊर्जा के भंडारण और स्थानांतरण में जो भूमिका होती है किसकी होती है? फास्फोरस की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट 22, यूरिया की कितनी मात्रा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो नाइट्रोजन 60 किलोग्राम यूरिया कितनी नाइट्रोजन देगा? 130 किलो, ठीक है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 22, यूरिया की कितनी मात्रा 60 ग्राम नाइट्रोजन देगी? तो कितनी देगी बेटा वो? 22 का आंसर है 130 किलोग्राम, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करती है यूरिया की, जो 130 किलो से 60 ग्राम मिलेगी, 60 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 23, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन जो होता है वो 21% होता है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 21% होता है। सभी बच्चे 104 105 बच्चे लाइव है बेटा, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज लाइक तो सभी कर दें, 104 के 106 बच्चे लाइव चल रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 21% अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 21% रहता है। ओके नेक्स्ट आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24, पौधों की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में करती हैं? पोटेशियम की जड़ें, सॉरी, पौधों की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण किस रूप में करती हैं? K
के प्लस के रूप में करती है। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब द पोटेशियम एज के प्लस, ठीक है, तो पौधे पोटेशियम को के प्लस के रूप में अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बेटा थर्ड, के प्लस के रूप में इसको अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लिश में सही है क्वेश्चन, हिंदी में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ किया इसने। तो क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर, ठीक है, निम्नलिखित में से एक स्थूल, स्थूल की जगह होना चाहिए था सांद्रित, स्थूल की जगह क्या होना चाहिए था बेटा, सांद्रित होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूल मतलब सांद्रित खाद नहीं है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर नहीं है, तो ये हरी खाद जो ग्रीन मैन्यूर है ये क्या होती है, ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है, इसने पूछा नहीं है, तो हरी खाद जो है वो सांद्रित कार्बनिक खाद नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बेटा फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि मृदा की विद्युत चालकता 4 dS पर मीटर से अधिक है, पीएच के मान 8.5 से अधिक तथा विनिमयशील सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक है, तो मृदा को माना जाता है, यह होती है लवणीय क्षारीय मृदा। ये लास्ट में महेंद्र सर ने अभी थोड़े दिन पहले करवाया था, उसमें बिल्कुल पूरा ये पूछा था, तो लवणीय क्षारीय मृदा इसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या बेटा फोर्थ है, लवणीय क्षारीय मृदा इसको बोलते हैं, लवणीय क्षारीय मृदा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश नहीं की जाती है, ठीक है, विच क्रॉप म्यूरेट ऑफ पोटास इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पोटेशियम न्यूट्रिशन, तो आलू में म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है क्या बेटा आलू, तो इसमें आलू में इसकी सिफारिश नहीं की जाती है, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उत्प्रेरक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उत्प्रेरक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर, तो एजो स्पिरिलम इज ए बायो फर्टिलाइजर, एजो स्पिरिलम, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है फर्स्ट, एजो स्पिरिलम एक बायो जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बेटा फर्स्ट, सभी बच्चे 123-124 बच्चे लाइव है बेटा, लाइक करें वीडियो शेयर कर दें। 28 का आंसर है पहला, क्वेश्चन नंबर 29, गाय के दूध में लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर कहते हैं, दुग्ध शर्करा, लैक्टोज जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है बेटा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 में गाय के दूध में जो लैक्टोज होती है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, उसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है बेटा फोर्थ, दुग्ध शर्करा। 30, दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है, तो दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत होता है 3.2 से 3.4, राइट आंसर है बेटा इसका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है, यह होता है 3.2 to 3.4। 30 का सही आंसर है पहला। नेक्स्ट, बंद रहित अनुनाद कहा जाता है, बंद रहित अनुनाद किसे कहा जाता है, तो अति संयुग्मन इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, अति संयुग्मन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे बंद रहित अनुनाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है चौथा, अति संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कार्ब एनायन का आपेक्षिक स्थायित्व का क्रम है, कार्ब एनायन मतलब क्या होता है, कार्बेनियम आयन,
कार्बन आयन क्या था बेटा, कार्बेनियम आयन, और इनका क्रम क्या बताया था, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, डायरेक्टली बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कार्बन आयन या कार्बेनियम आयन का जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या बेटा, सेकंड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, और मैंने आप लोगों को अम्लीय प्रकृति के बताया था कि सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति के कौन होते हैं, एल्काइन, उससे कम होती है एल्कीन की, और सबसे कम किसकी होती है, एल्केन की, क्योंकि एल्काइन, वन एल्काइन अम्लीय प्रकृति के होते हैं उनकी विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण। तो ये चीज मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के कंपेरिजन में ही बताया था, और वन एल्काइन अम्लीय प्रकृति के होते हैं मतलब एथाइन जो है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तीसरा एल्काइन जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो 33 का राइट आंसर है, ठीक है, क्या है वो, तीसरा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब एथाइन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, ये प्रोपीन की क्रिया HBr के साथ परोक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है। कौन सा नियम है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है, और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम मैंने बताया हुआ, ये सेम टू सेम यही क्रिया मैंने करवाई थी, और ऋणात्मक भाग वहां जाता है जहां हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये इस तरीके से एन प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा, और राइट आंसर इसका पहला। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या बेटा, फर्स्ट है, पहला इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पर अपन आ जाते हैं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर पहला आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है 35, एल्डिहाइड से कीटोन का विभेद निम्नलिखित के उपयोग से करते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन के विभेदीकरण की क्रिया मैंने आप लोगों को बताई थी, एल्डिहाइड कीटोन का विभेदीकरण करते बेटा टोलुएन अभिक्रमक से, फैलिंग से, ठीक है, Hg2Cl2 से करते हैं। इसके बाद अपने पास चार पांच चीजें आपको मैंने वहां पर विभेदीकरण के लिए बेनेडिक्ट परीक्षण वहां पर बताया था, तो यहां पर कौन आ गया, फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन के दो भाग होते हैं, फैलिंग विलयन ए और फैलिंग विलयन बी, तो एल्डिहाइड फैलिंग विलयन के साथ CU2O का लाल अवक्षेप देते हैं, एल्डिहाइड फैलिंग विलयन के साथ CU2O का लाल अवक्षेप देते हैं, जबकि कीटोन इसके साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बेटा सेकंड, फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 36, जब एसीटेमाइड को निम्नलिखित अभिक्रमक से अलग क्रिया कराई जाती है तो किसके साथ मेथिलएमीन बनती है, तो एसीटेमाइड क्या होता है बेटा, CH3CONH2, इसकी क्रिया करवा रहे तो क्या बनेगी, CH3NH2, मतलब क्या हट गया यहाँ से, CO हट गया, तो ये किसके साथ होती है, KOH और Br2 के साथ, ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। KOH की जगह यहाँ पर कौन दे दिया, NaOH, KOH की जगह कौन दे दिया, NaOH दे दिया, तो सही आंसर है बेटा NaOH और Br2 का जलीय विलयन, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया इसको कहते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है बेटा, सेकंड है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर सेकंड हो गया। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 37, कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से हाइड्रोसाइनोहाइड्रिन का बनना उदाहरण है, तो ये भी अभी 2019 में पूछा था क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी पूछा था ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर, अभी भी पूछा है, तो ये है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा क्रिया योगात्मक होगी, उसमें एल्कीन और एल्काइन की जो क्रियाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक होती हैं, और एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया होती है नाभिक स्नेह योगात्मक क्रिया होती है, तो राइट आंसर है इसका बेटा क्या, सेकेंड, नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया। 37 का सेकेंड आंसर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा बेटा 39,
टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए जिस एकल कणु का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो टेफ्लॉन क्या होता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है टेफ्लॉन। तो यहां से क्या जाना, पी हट जाएगा, पी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, मतलब सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या बेटा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है फर्स्ट। सॉर्बिक अम्ल एवं प्रोपियोनिक अम्ल के लवण है, ये क्या होते हैं? सॉर्बेट और प्रोपियोनेट जो होते हैं वो खाद्य परिरक्षक होते हैं बेटा, ठीक है, क्या होते हैं ये? खाद्य परिरक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर सेकंड है, खाद्य परिरक्षक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रगों का वर्गीकरण जिसका उपयोग तनाव के उपचार में किया जाता है, तो तनाव मेंटली रिटार्डेड पर्संस, पागल लोगों के उपचार में जो औषधियां काम में आती हैं वो क्या होते हैं? प्रशांतक होते हैं, उन्हें शांत कर देती हैं, ठीक है, प्रशांतक होते हैं, ट्रैंक्यूलाइजर होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था उनके नाम के बाद में क्या लगा होता है, नल लगा होता है, इक्वेनल, बेरोनल, सेकोनल, ये सब होते हैं। तो प्रशांतक, पागल लोगों के उपचार को, तनाव को कम करने में जिन औषधियों का उपयोग होता है वो क्या होता है बेटा, प्रशांतक होते हैं। तो ये आपके हो गए 40 के 40 क्वेश्चन, ठीक है, किसके? केमिस्ट्री के। अभी सर आपके पास सामने बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, बस एक मिनट आप जुड़े रहें, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के आंसर की आपके सामने कंटिन्यूटी में आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे संस्थान नेशनल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। अब अपन सॉल्व करते हैं बायोलॉजी के आंसर की। तो देखो यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू फजेज वेस्कुलर बंडल्स आर, प्रथम स्थलीय पादप जिनमें संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों टेरिडोफाइट। क्या है? टेरिडोफाइट। प्रथम स्थलीय तो ब्रायोफाइट थे, लेकिन आपको इसमें एक शर्त और दे दी कि वेस्कुलर बंडल या जाइलम और फ्लोएम किसमें मिलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या गया है? टेरिडोफाइट गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, पाइरुवेट ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 एनर्जी एंड वाटर एट विच साइट ऑफ सेल। तो जो पाइरुवेट है वो एनर्जी में कन्वर्ट कहां हो रहा है, एनर्जी उसकी कहां बन रही है,
तो उसकी एनर्जी बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल उसके अंदर ही चल रहा है, पाइरूवेट एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल चलता है और वहां से क्या बनता है उसकी इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस भी चलता है। तो एनर्जी कहां मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पाइरूवेट से एनर्जी कहां मिल रही है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, इसलिए इसका आंसर जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स इन प्लांट, निम्नलिखित में इसमें कौन से पादप वृद्धि हार्मोन है आपसे पूछा है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन कौन सा है या पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, फर्स्ट है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। और बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये मैंने आपको करवाया था, आप गिनते चलना अपने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से आए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से आया है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको एमसीक्यू में करवाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन अमीबा लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ, अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है, तो इसका आंसर है स्यूडोपोडिया या कूटपाद, तो इसका राइट आंसर है थर्ड, अमीबा किसकी हेल्प से करता है, स्यूडोपोडिया या कूटपाद की हेल्प से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द मूवमेंट इन विच विलेजर्स यूज्ड द ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट वाज, ग्रामीण लोगों द्वारा पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, तो आपको पता ही है चिपको आंदोलन जो था, पेड़ लोग कहां चिपक गए थे, पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, ये तो फेमस है, आपने सही किया होगा, तो चिपको आंदोलन जो इसका राइट आंसर है, चिपको मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है पैथोजन ऑफ सिस्ट्रस कैंकर, सिस्ट्रस कैंकर का रोग कारक है, तो इसका बच्चों सही आंसर है जेंथोमोनास सिट्राई, जेंथोमोनास सिट्राई जो है वो पैथोजन है किसका, सिस्ट्रस कैंकर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय, मूंगफली का टिक्का रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो ये बच्चों इसका सही आंसर है सर्कोस्पोरा या सर्कोस्पोरा। अगला क्वेश्चन है आपका चूर्णिल असिता रोग उत्पन्न करने वाले सदस्यों का गण है, आपसे ऑर्डर पूछा है किसका, पाउडरली मिल्डी डिजीज कॉज करने वालों का, तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, एरिसाइफिल्स है या एरिसफिलस भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। आठ क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका एल्बिगो कैंडिडा कॉज्ड डिजीज, एल्बिगो कैंडिडा जो है वो रोग किससे उत्पन्न होता है या एल्बिगो कैंडिडा कौन सा रोग करता है, तो वो है क्रूसिफर का श्वेत किट या वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, जो क्रूसिफर्स होते हैं उनका श्वेत किट या वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसिफर्स कौन करता है, एल्बिगो कैंडिडा करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रस्ट डिजीजेज आर कॉज्ड बाय मेंबर्स ऑफ विच ऑर्डर ऑफ फंजाई, या किट रोग किस कवक गण के सदस्यों द्वारा होती है, तो इसका सही आंसर है यूरिडिनेल्स, क्या आंसर है, यूरिडिनेल्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों एक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स हु फेवर प्लांट ग्रोथ, पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव डालने वाला सूक्ष्म जीवों का समूह है, ऑप्शन है एजोला नीलहरित सेवाल अमीवा, एजोबैक्टर एजोला प्लाज्मोडियम, एजोबैक्टर एजोला नीलहरित सेवाल, तो उसका राइट आंसर है वो थर्ड है, एजोबैक्टर एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित सेवाल जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही किसमें हेल्प करते हैं, जो ग्रोथ है प्लांट की उसको प्रमोट करने में क्या है, अनुकूल प्रभाव डालते हैं, फेवरेबल इफेक्ट डालते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है आपका बॉटनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, बाजरे का क्या पूछा है आपसे, वानस्पतिक नाम पूछा है, तो बच्चों बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पेनिसिटम ट्राइफोइडिस, क्या है, पेनिसिटम ट्राइफोइडिस, ये क्या है बाजरे का बॉटनिकल नेम है। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ग्रोथ डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर, सूक्ष्मतम जीव जो वृद्धि विभाजन एवं जनन का गुण रखता है, इसमें बच्चों ने थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ इसका राइट आंसर है, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव है, क्या है, सबसे छोटा जीव क्या है, इनमें माइकोप्लाज्मा है, आपको ऑप्शन में पीपीएलओ भी मिल सकता था, वो भी क्या है एक टाइप का माइकोप्लाज्मा ही है, तो इसका राइट आंसर क्या है, माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये सबसे छोटी
सबसे छोटा क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और जो अगर लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बताया था तो ये तो लिविंग के मेन करेक्टरिस्टिक हैं, ये अगर होंगे उसके अंदर प्रेजेंट तभी तो उसको लिविंग बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज, निम्न में से लिंग निर्धारण एक्स जीरो प्रकार का किस में मिलता है? ये सीधा आपकी बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। जो ग्रास होपर्स होते हैं, क्या होते हैं? ग्रास होपर्स जो होते हैं, ग्रास होपर्स या टिड्डी, उनके अंदर क्या मिलता है? एक्स जीरो टाइप का, ये मैंने आपको बताया भी था, प्रोटीनर आपको मिल सकता है या एक्स जीरो टाइप मिल सकता है। तो वो क्या है? इसका आंसर ग्रास होपर है। ओके, पंद्रवा क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर अमोंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन पादप ऊतक संवर्धन के जनक माने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, वो कौन है? गॉटलिब हेवरलैंडर्ट। जो आपके गॉटलिब हेवरलैंडर्ट थे वो प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या है? फादर माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, वायरस मुक्त पादप उत्पन्न किए जाते हैं या वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, तो इसका राइट आंसर है मेरिस्टेम कल्चर या विभजोदिक संवर्धन द्वारा। इस मेरिस्टेम कल्चर द्वारा क्या किए जाते हैं? वायरस फ्री प्लांट्स क्या किए जाते हैं? ग्रो किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, 17वां आपको लिखा है, फ्यूजोजन। फ्यूजन का मतलब आपको उन्होंने कोष्टक में बताया हुआ है कि केमिकल ही है इसका मतलब। केमिकल यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज, जीव द्रव्यों के संलयन में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन या फ्यूजोजन है। ये फेमस फ्यूजोजन है, वो कौन सा है? पीईजी या पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोहल। इसके बैग बनते हैं, वो आपस में मिक्स होते हैं, तो क्या है? प्रोटोप्लास्ट का क्या हो जाता है? फ्यूजन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जेनेटिक इंजीनियर में दाता के डीएनए खंड को ग्रहण करने वाला उपयुक्त ग्राही निम्न में से है? सूटेबल होस्ट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इंट्रोड्यूसिंग डीएनए सेगमेंट ऑफ डोनर इज, तो इसका बच्चों फेमस है, आपको पता ही है, इकोलाई है, इसर्चिया कोलाई या इसर्चिया कोलाई या इकोलाई, इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका थर्ड। अगला 19th क्वेश्चन है आपका, इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद हेरिडेटरी डिजीज ही कैन टेक ए करेक्टिव थेरेपी फॉर सच ए डिजीज दैट इज, यानी यदि एक व्यक्ति को जन्म से ही आनुवांशिक रोग है तो वह इस रोग को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सा उपचार ले सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जीन थेरेपी है, यानी उसके जीन में ही कोई प्रॉब्लम थी, तो ट्रीट भी किसको करेंगे? जीन को ही करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जीन थेरेपी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था आपके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एसिड रेन आर कॉज्ड बाई प्रोडक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये आप आरपीवीटी का भी 2020 का क्वेश्चन था, मैंने आपको लास्ट से लास्ट में करवाया था कि अम्ल वर्षा का कारण कौन कौन सी गैसें होती हैं? NO2 और SO2। ये बनाएगी HNO3 और ये बनाएगी H2SO4। ये मैंने आपको बताया था, तो ये बिल्कुल MCQ से एज इट इज उठ के आया है आपका। अगला क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम विच इज ऑलवेज अपराइट, यानी पारिस्थितिकी में निम्न में से पिरामिड हमेशा सीधे किसके होते हैं? क्वेश्चन कैसे करवाया था मैंने आपको कि निम्न में से किसके पिरामिड उल्टे हो ही नहीं सकते, तो बात तो एक ही हुई, यानी हमेशा सीधे किसके होते हैं? तो वो एनर्जी के हैं या ऊर्जा के हैं। ठीक है, एनर्जी के पिरामिड ऑलवेज कैसे होते हैं? सीधे होते हैं, वो कभी भी उल्टे हो ही नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होती है? कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब इज, श्वसनिकाओं और फैलोपियन ट्यूब को अस्तर निम्न में से कौन सी एपिथीलियम करती है? तो बच्चों इसका आंसर है सीलिएटेड एपिथीलियम। कौन सा है? सीलिएटेड या रोमक एपिथीलियम जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियल्स को क्या करती है? अंदर से लाइन करती है या अस्तरित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, इन अर्थवर्म रेस्पिरेशन अकर थ्रू, अर्थवर्म यानी केंचुए के अंदर श्वसन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों बॉडी सरफेस या त्वचा, उसकी जो स्किन होती है वही किस में हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, किसकी? अर्थवर्म की। अगला क्वेश्चन है, काउपी इज ए मेंबर ऑफ फैमिली, चवला या लोबिया कौन से कुल का सदस्य है? तो इसका आंसर है फावेशी। क्या है? फावेशी, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कट गया है, ये क्वेश्चन है लिगामेंट किसको जोड़ता है। ये क्वेश्चन क्या है कि लिगामेंट किस किस के बीच में कनेक्शन होता है, लिगामेंट किस किस को जोड़ता है। तो लिगामेंट जोड़ता है बच्चों बोन से बोन को या अस्थि से अस्थि को। मांसपेशी से अस्थि को कौन जोड़ता है, तो वो होता है टेंडन। तो कुछ बच्चे इसका आंसर रिवर्स करके आए हैं, बाकी ज्यादातर बच्चे इसका सही करके आए हैं। तो बोन से बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। जैसे आपकी गर्दन में मिलता है लिगामेंटम न्यूकी, वैसे ही अस्थि से अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है, बोन से मसल को टेंडन जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है एनिमल्स डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। वह जंतु जिसमें श्वसनांग, उत्सर्जन अंग एवं परिसंचरण अंग नहीं होते। आपको ऑर्गन पूछा है कि ऑर्गन किसमें मिलेंगे, तो बताओ ऑर्गन आना ही कहां से स्टार्ट हुए थे, ऑर्गन कहां से स्टार्ट आना हुए थे। प्लेटी हेलमेंटीज में तो मिले थे पहले ऑर्गन, फ्लेम सेल्स मिले थे आपको ऑर्गन, ठीक है ना। तो इसमें पोरीफेरा है, यहां से तो स्टार्ट हो रहा है आपका एनिमल किंगडम, यानी ये तो वैश्विक जीव है, सेल्स ही मानो आप एक तरह से। तो इनके अंदर ना तो इनके अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं होती है। इनमें जो बॉडी प्लान होता है वो कैसा होता है, सेल एग्रीगेट टाइप का, यानी बहुत सारी सेल ही जुड़ के क्या बनाई जाती है, पोरीफेरा स्पंज बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्पंज है। इनमें ऑर्गन आने अभी नहीं लगे, पहले सेल आएगी फिर टिश्यू आएगी फिर ऑर्गन आता है, इनमें कुछ भी नहीं था ऑर्गन जैसा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड स्पंज। अगला क्वेश्चन है माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच। तिलचट्टा या कॉकरोच के मुखांग किस प्रकार के होते हैं, तो बच्चों तिलचट्टे के या कॉकरोच के जो मुखांग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, चबाने और काटने वाले, यानी चुइंग और बाइटिंग टाइप। तो थर्ड आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आपका बिल्कुल पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया सिंपल बिल्कुल ही, कि वो गिव द बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी, ये मैंने आपको एमसीक्यूज में करवाया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस क्या है, द्विनाम पद्धति के जनक थे, इन्होंने डिस्कवर की थी। तो ये आपका 20th क्वेश्चन हो गया। 29वें क्वेश्चन पर चलते हैं, आपसे पूछा है क्लाइटेलम जो होता है अर्थवर्म के अंदर वो किस किस सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, या अर्थवर्म में या केंचुए में क्लाइटेलम कौन कौन से खंडों में पाया जाता है। तो क्लाइटेलियम बच्चों 14वें, 15वें और 16वें खंड में मिलता है, यानी 14th, 15th और 16th सेगमेंट के अंदर मिलता है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड इसका राइट आंसर है। फिर आपसे पूछा बहुत ही फेमस क्वेश्चन कि फूट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, FMD वायरस के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड है, विषाणु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिलीजिंग ऑफ विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर ओवुलेशन। अंडोस्तर के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, बहुत ही सिंपल और फेमस क्वेश्चन है। अंडोस्तर के लिए कौन सा हार्मोन होता है, LH। LH सर्ज पे ही तो ओवुलेशन होता है, जब LH की अमाउंट सबसे ज्यादा होता है तब क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है, अंडा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो LH इसका राइट आंसर है, थर्ड। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है MCQs के अंदर। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ, यानी निषेचन निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसको अपन निषेचन कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ प्रोनुक्लियाई, बिल्कुल गलत, प्राग केंद्र के फैलन को अपन नहीं कह सकते। इसमें कहा है फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, यहां तक बिल्कुल सही था, दो गैमिट्स के संलयन को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन आगे उन्होंने क्या कर दिया, डिफरेंट स्पीसीज, तो ये गलत हो गया। डिफरेंट स्पीसीज के जो गैमिट्स होते हैं वो तो फ्यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन जो आपने बताए थे ना ह्यूमन के अंदर, वो होते हैं, तो वो आपस में आइडेंटिफिकेशन का गुण रखते हैं, यानी गैमिट्स जो है वो आपस में पहचानते हैं सेम स्पीसीज को, ठीक है। तो इसमें एक ही जाति के दो युग्मकों का संलयन होगा, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, थर्ड हो गया। 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है 33, फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति है, नेम द रिवॉल्यूशन विच इज रिवील्ड प्रमोट फ्रूट प्रोडक्शन। तो ये है बच्चों सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, फ्रूट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकेंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लड सेल्स इन्वॉल्व्ड इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, आपसे क्या पूछा है, सूजन प्रक्रिया में भागीदार रक्त कोशिकाएं हैं,
तो बच्चों मैंने आपको ये तो ब्लड पढ़ाया था तभी बताया था कि बेसोफिल्स जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामिन रिलीज करती हैं, और वो किस में भाग लेता है आपका, इन्फ्लामेशन में भाग लेता है। तो इन्फ्लामेशन के लिए मेन रोल किसका है आपका, बेसोफिल्स का, इन चारों में से। तो राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। फिर और सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता पूछ लिया आपसे, क्या पूछा है, प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे, जो किसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे या हर्बेसियस प्लांट को खाएंगे, उनको ही तो बोलेंगे शाकाहारी होना चाहिए। तो इसमें क्या जाएगा आंसर आपका, सेंप, सांप और मेंढक है, तो देखो सांप तो मेंढक को खा जाता है, मछली भी खा जाती है जूप्लैंकटॉन्स को, बाज भी आपके ये हाई लेवल्स पाते हैं, ये भी किसको खा जाते हैं, मीट को खा जाते हैं। तो पशु और कीट जो है उसका राइट आंसर है, ये किस क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर पे अपन इसको रख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ है। अगला क्वेश्चन देखो, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, स्तनधारी जंतुओं में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, इसको तो मैंने आपको और डिटेल में पढ़ाया था, और भी डिटेल में क्वेश्चन आता तो भी आप कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, एम्पुलर स्टमक जंक्शन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ ट्रेकिया इन लंग्स इज, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग। तो देखो अंतिम भाग क्या होता है, जब फेफड़ों के अंदर श्वास नली जा रही है उसका अंतिम भाग एल्वियोलाई होता है, या वायु कूपिकाएं होती है, तो उसका लास्ट पार्ट क्या हो गया, एल्वियोलाई हो गया। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको करवाया हुआ है एज इट इज, किसमें, एमसीक्यूज में। सर्टोली कोशिकाओं का महत्व होता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पोषण में, निषेचन में। तो इसका राइट आंसर क्या है, पोषण में। सर्टोली सेल्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, डेवलपिंग स्पर्म को क्या देती है, ये न्यूट्रिशन देती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट प्लेइंग इंपोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग इज, रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किस तत्व की होती है, कैल्शियम की। ये आपको एग्रीकल्चर में भी पूछा गया है और बायोलॉजी में भी ब्लड में आपको पढ़ाया गया है कि किसकी होती है, कैल्शियम की मेजर रोल होता है, किसमें, रक्त का थक्का जमाने में। तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ टैक्सा, निम्न में से वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है। इसको देख के तो आपको मजा ही आ गया होगा, परसों ही मैंने आपको करवाया था, ठीक है ना। इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, कीप पॉट, इधर बताता हूं, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। जी से क्या था, जीनस, एफ से फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्लास, पी से फाइलम और के से किंगडम और एस से स्पीसीज। आपको दिए क्या गए, क्लास दिया है, ऑर्डर दिया है, जीनस दिया है, फैमिली दिया है, यानी आपसे यहां तक दे दिया है, चार दे दिए। तो बताओ सबसे पहले क्लास आएगा, सबसे पहले क्लास इन दोनों में आ रहा है, चलो ये तो गलत हो गई वैसे ही, इसमें क्लास के बाद क्या है, ऑर्डर, दोनों में सही है। ऑर्डर के बाद क्या लिख रखा है, यहाँ जीनस लिख रखा है, यहाँ फैमिली लिख रखा है, यहाँ देख लो, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। ऑर्डर के बाद क्या आएगा, फैमिली आएगा, तो इसमें फैमिली आ रहा है, उसके बाद जीनस आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इसको आपको ट्रिक बताई थी, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इस ट्रिक से आपका इजीली सॉल्व हो गया, जो सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार करवाया था, ठीक है। तो ये आपके 40 के 40 क्वेश्चन हो गए, इसमें से कम जो बायोलॉजी वाला पार्ट था उससे क्वेश्चन आए, उसमें से कम 50-60% क्वेश्चन ऐसे थे जो अपन ने एमसीक्यू सेशन में करवाए थे। अगर आपने अपनी फर्स्ट डे से एमसीक्यू चालू किए थे, वहां से अगर अपने एमसीक्यू लिए हैं, तो आप 14-15 क्वेश्चन तो आप वैसे ही सॉल्व कर दे डायरेक्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और अब आपके एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाने आ रहे हैं सर, तो आप एक मिनट वेट करो बस।
हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का। सभी को राधे राधे बेटा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर जो है बहुत अच्छा आया है, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था बेटा, ठीक है। चलिए एग्रीकल्चर के बारे में आपको जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, उसके आपको राइट आंसर बताता हूँ बेटा जल्दी जल्दी से। और इसकी जो एक्सप्लेन जो क्लास है, जो सर यादव सर है, अभी कुछ काम से वो आ नहीं पाए, तो उसकी उनकी एक अलग से एक वीडियो जो है पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अलग से मिल जाएगा। साथ में इस पेपर की कट ऑफ क्या जाने वाली है, एक या दो दिन में या आज तक या कल, आपको पूरा एक हम एनालिसिस करके वो डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि कितनी कट ऑफ और किस कट ऑफ पर कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे साथ जुड़िए, और जिन बच्चों ने एनसीए के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं और आपके जो पूरी कट ऑफ वगैरह लिस्ट और आपको ऑप्शन फॉर्म क्या भरना है, कॉलेज क्या लिस्ट भरनी है, जितनी भी है, सब समस्याओं का हल यहाँ पर एनसीए के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए। मैं आपको केवल आंसर की बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अनियन एलियसी फैमिली सही है, शकरकंद चिनोपोडियसी, चिनोपोडियसी नहीं है बेटा, ये है कॉर्नवॉलवुलेसी, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सेकंड जो जाएगा, ठीक है, सेकंड आंसर जो राइट है भिंडी मालवी सही है, मटर फेबी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या, कि एक ग्रोइंग ऑफ वीट प्लस ग्राम इन वन सीजन विदाउट एनी डेफिनेट रो अरेंजमेंट इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, रिले या क्रॉप रोटेशन। एक ही ऋतु में एक साथ अगर आप गेहूं और चने की फसल बिना अलग अलग कतार के, देखिएगा यहाँ पर कतारें नहीं बनाई है, जब बिना कतार के अगर अपन फसल बोते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे अपन बेटा, मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग। राइट आंसर इज मिश्रित फसल, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कंपेयर टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। निम्न में से किस नत्रजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना में द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होता है। राइट आंसर जो है आपका अमोनियम सल्फेट, राइट आंसर जाएगा बेटा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट इरिगेशन मेथड इन ड्राई एरिया, सूखे क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई की विधि ऐसी है जो सूखे क्षेत्रों में की जाती है, अधिक प्रयुक्त होती है। चेक बेसिन, फरो, फ्लड इरिगेशन, स्प्रिंकलर, चौकेबार, कुंड, क्यारी या बोचारी सिंचाई विधि। राइट आंसर जो है वो स्प्रिंकलर विधि, क्योंकि पानी की बहुत कम मात्रा होती है वहां पर, तो पानी की कम मात्रा के अंदर जो है ये विधि प्रयुक्त की जाती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लैडोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन यानी कि प्रोपगेशन जो मेथड करते हैं कॉमर्शियल लेवल पर, तो किससे करेंगे अपन, गनकंद यानी कि कॉर्म से ग्लैडोलस का प्रवर्धन होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फार्मिंग वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज इरिगेशन फॉर रेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड डिपेंड ऑन रेन ओनली इज नोन एज, निम्न से ऐसी खेती कौन सी खेती है जहां किसान फसल को उगाने के लिए कोई सिंचाई नहीं करता, मतलब कि वो किसके ऊपर केवल वर्षा पर डिपेंड करता है, तो इसमें से कौन सी खेती है बेटा, वर्षा आधारित खेती, हिंदी में दिया नहीं इसने, डायरेक्ट इंग्लिश में दे दिया है, रेनफेड फार्मिंग, यानी कि रेनफेड फार्मिंग जो होती है वो केवल बरसात के ऊपर डिपेंड रहती है और उसको पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने बेटा, कि विच वन इज द स्ट्रेस हार्मोन, निम्न में से कौन सा तनाव हार्मोन है, सभी को पता है एबीए, एब्सिसिक एसिड को अपन तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, तो आंसर जो है आपका राइट वो सेकंड जाएगा, एबीए आंसर होगा। एट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो आंसर जाएगा आपका लोहा यानी कि आयरन, ठीक है बेटा। चलिए बेटा कट ऑफ देवकी नंदन कट ऑफ बेटा, मैं आपको अभी कहा था मैंने कि एक वीडियो जल्दी हम कल तक आपके सामने वीडियो आ जाएगी जिसमें बताएंगे आपको कि उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है बेटा। लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया जाता है, ठीक है, सेलाइन सॉइल इज रिक्लेमेंट बाई, आंसर इज निक्षालन यानी कि लीचिंग मेथड जो है उसके द्वारा अपन क्षारीय मृदाओं को सुधारने, सॉरी लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए अपन कर रहे हैं।
नेक्स्ट थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आया है, वो भी पूरा फॉर्मूला बेस्ड आया है कि इफ बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड पार्टिकल डेंसिटी यानी कि पीडी जो है वो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तो इसमें पोरोसिटी यानी कि इसके जो रंध्रावकाश है मृदा का वो आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जो है 47 आंसर आपका जाएगा बेटा। कि निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन जो है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कृषि यंत्र प्राथमिक भू परिष्करण के काम, प्राथमिक भू परिष्करण में काम आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट, प्राइमरी पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो है वो डिस्क हल यानी कि डिस्क प्लाउ आंसर जो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, हो सकता है आपने किया या नहीं किया है। एस्टिमेशन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है, इन विच डायरेक्शन डज द एस्टिमेशन स्क्रीन डोर ओपन डाउनवर्ड्स, राइट आंसर इज नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा के अंदर इसका एस्टिमेशन का दरवाजा नीचे की तरफ खुलता है। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सब्जी सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, सोलनेसी फैमिली से आपकी बैंगन आलू टमाटर जो होते हैं वो सभी करेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो ब्रिंजल यानी कि बैंगन आंसर जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर घास क्या है, गाजर घास जो है बेटा आप एक प्रकार की खरपतवार है पार्थेनियम, निम्न में से कौन सी घास कौन सी मृदा में सबसे अधिक जल धारण क्षमता यानी कि हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, वो है आपकी क्ले सॉइल यानी कि मृतिका, क्ले की जो है वो सबसे हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 कि निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक सबसे अधिक होती है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं कि विच एनिमल प्रोडक्ट इज हैविंग हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, तो आंसर जो जाएगा वो है मांस यानी कि मीट के अंदर, मीट के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। कुछ बच्चे अंडे भी लगा के आए हैं शायद, ठीक है, राइट आंसर जो है बेटा आपका मीट के अंदर जा रहा है सबसे ज्यादा प्रोटीन। कौन सा पोषक तत्व धनायन एवं ऋणायन दोनों रूप में पौधे अवशोषित करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब्ड इन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक फॉर्म ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को पौधे जो है दोनों फॉर्म के अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब नहीं है, विच इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब, मतलब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोला है, मतलब ऐसा कौन सा ऐसा माइक्रोब या सूक्ष्म जीव है जो सहजीवी है यानी कि आपका सिम्बायोटिक रिलेशन करता है, वो है आपका राइजोबियम, ठीक है बेटा, राइजोबियम इज राइट आंसर। निम्न में से किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा फसलीय पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों में समर्थ किया जाता है, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन डिस्क्राइबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन, राइट आंसर इज थर्ड बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है बेटा। 20 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस यानी कि शॉर्ट डे प्लांट निम्न में से कौन सा होगा, वो है आपका राइस यानी कि चावल जो है वो आपका शॉर्ट डे प्लांट होता है। निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है, विंटर क्रॉप कौन सी है, इनमें से विंटर क्रॉप आपको चाहती है बेटा रबी क्रॉप, रबी क्रॉप है आपकी चना यानी कि ग्राम जो है बंगाल ग्राम या चिकपी जो है वो इसका आंसर जाएगा। कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, देखिएगा भेड़ की देखे मालपुरी या मालपुरा, ठीक है एक ही बात है, कराकुल भेड़ की है, जैसलमेरी भेड़ की है, बीकानेरी, बीकानेरी यानी ऊंट की आएगी, ठीक है, तो ऊंट की नस्ल होने की वजह से राइट आंसर जो जाएगा है वो बीकानेरी जा रहा है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन कम आए हैं इस बार, 10 क्वेश्चन पूरा टारगेट बैठा है नहीं इन्होंने लगता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मिट्टी बनने का कारक है जिसमें ऊंचाई और ढलान मिट्टी के संचय को निर्धारित करते हैं, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इन विच एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल इज, आंसर इज कौन रिलीज सॉरी रिलीफ, रिलीफ जो है वो इसका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट इज 24, निम्न में से कौन सा फल जो है वो अवलह यानी कि जेली बनाने के लिए करते हैं, जेली के लिए है अमरूद, यानी कि अगर आपको जेली अच्छे से बनानी है तो राइट आंसर जो जाएगा बेटा अमरूद जाएगा है, जिसमें पेक्टिन क्वांटिटी अच्छी होती है, पेक्टिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, उन फलों की अपन क्या बनाते हैं, अपन जेली बनाते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है उसको अपन किससे मेजर करेंगे, वो है राइट आंसर आप ग्राम पर किलोग्राम यानी कि
ए ऑप्शन जो है फर्स्ट ग्राम पर किलोग्राम ऑप्शन यहां पर राइट जा रहे हैं। मैंगनीज की विषाक्तता होने से पौधों में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है, मतलब अगर मैंगनीज बढ़ रहा है तो कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो कम हो जाएगा। विच न्यूट्रिएंट अपटेक इज रिड्यूस्ड इन प्लांट्स ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी। राइट आंसर इज फर्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है जब मैंगनीज बढ़ जाता है तब। जलवायु शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई बेटा। द वर्ड क्लाइमेट जो है वो आपके ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इज ग्रीक भाषा का शब्द है ये। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत को चुनना है इसमें से कि कौन सा यहां पर सही नहीं आ रहा बेटा, करेक्ट मैच नहीं है। सरसों अनुसंधान निदेशालय DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो भरतपुर सेवर के अंदर है, सही है। काजरी जोधपुर, ये सही है, ठीक है। केंद्रीय ठीक है, काजरी जोधपुर सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, ये सही है। चौथा जो है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये बेटा तबीजी में बेटा, और यहां पर इसने तबीजी अजमेर है ये, ठीक है, ये आना चाहिए था पर इसने दे दिया जयपुर। तो इसमें अपने को ये चुनना है कि गलत कौन सा है, गलत यहां पर जयपुर जाएगा बेटा चौथा ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, वापिस पूछा है किसने, ऐसा कौन सा जो है वो राइट नहीं है। फर्स्ट आ रहा है कि प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन फसल जो है वो चावल आंसर जाएगा इसका। बेवरेज फसल, बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ के रूप में चाय कॉफी होती है, दे रखा है। सोने का धागा यानी कि गोल्डन फाइबर, जो फाइबर वाली क्रॉप कौन सी है, जूट कपास, ठीक है, जूट दे रखा है। मोटे अनाज वाली जिसका अनाज मोटा होता है, ठीक है, रागी उसका अनाज। और पहला ऑप्शन जो है प्लांटेशन फसल चावल नहीं है, ठीक है मेरा आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन चावल। निम्न में से कौन सी पपीते की किस्म है, पूसा नन्ना, बहुत ही फेमस वेराइटी है जिसमें डिस्टेंस अपन 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर पर मेंटेन करके रखते हैं उसमें, ठीक है। तो पपीते की किस्म है बेटा पूसा नन्ना। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान CIAE ये है आपके भोपाल के अंदर, बहुत सारे बच्चे हो सकता है लुधियाना लगा के आए हैं या दिल्ली लगा के आए हैं, ठीक है। राइट आंसर जो है वो भोपाल MP के अंदर इसका इंस्टीट्यूट बना हुआ है बेटा CIAE। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले प्री इमरजेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, बो दिया है फसल पर फसल उगी नहीं है तो वो कौन सा अपन करेंगे, पेंटीमिथाइलिन का उपयोग जो है अपन प्री इमरजेंस के रूप में अपन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। चलिए नेक्स्ट इज प्राइड ऑफ इंडिया जो है इसमें से किसकी, प्राइड ऑफ इंडिया जो है बेटा देखिएगा बंटी जो कह रहे हैं कि सर रेनफेड को 1190 से ज्यादा होने पर होता है, बेटा इसने डीप नहीं पूछा है, बहुत सिंपल सा पूछा है इसने कि अगर वर्षा आधारित खेती है तो सिंपल सा दे रखा है, वर्षा आधारित खेती जो होती है वो उसको अपन रेनफेड फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। इसमें इतना डीप नहीं गया, बहुत सिंपल सा पूछा है इसने। प्राइड ऑफ इंडिया जो है बेटा वो पत्ता गोभी की आती है ना, पूसा स्नोबॉल, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपनहेगन मार्केट, गोल्डन एकर्ड, ये तीन चार किस्में जो हैं वो सभी किसकी आती हैं, पत्ता गोभी की आती हैं। तो राइट आंसर इज कैबेज प्राइड ऑफ इंडिया। लाइकेन जो है वो किस वायु संदूषक यानी कि कंटामिनेट के प्रति संवेदनशील होते हैं, लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू विच ऑफ द एयर कंटामिनेटेड। राइट आंसर इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बहुत ही ज्यादा ये सेंसिटिव होते हैं, कंटामिनेट करते हैं इसको। मिट्टी पर खेती करने, फसल उगाने और पशुओं के पालने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन पूछी है 12th की, ठीक है, 11th की, सॉरी 11th के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एज, ठीक है। राइट आंसर इज फार्मिंग जो है वो सही आंसर जाएगा, ठीक है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन होता है, मछली पालन मछली को करते हैं, बागवानी के अंदर अपन अलग हॉर्टिकल्चर के रूप में आती है बेटा ये। निम्न बेटा नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है विदेशी नस्ल कौन सी है, एक्सोटिक ब्रीड, ठीक है। तो एक्सोटिक ब्रीड पूछा है इसने, तो लाल सिंधी भारत की, साहिवाल गिर भारत की, जर्सी आंसर जाएगा, जर्सी नहीं है। इसबगोल का बोटनिकल नेम है प्लांटेगो ओवेटा, सभी को पता है बेटा प्लांटेगो ओवेटा जो है इसका बोटनिकल नेम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रैकिंग जो है वो किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है, क्रैकिंग जो है वो किस प्रकार की मिट्टी की सामान्य विशेषता है। क्रैकिंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल, काली मृदा, ठीक है, काली मृदा की ये विशेषता होती है कि वो जल्दी से क्रैक हो जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज
39 जो है, निम्न में से किस फसल के दानों से गम यानी कि कौन जो है पैदा होता है? गम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? ग्वार के अंदर, ग्वार गम के रूप में बिकता है मंडियों के अंदर, जिसके जिंक जो है वो चाहते हैं। आंसर जो है ग्वार है, ठीक है बेटा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा राइट आंसर। एंड लास्ट बचा है बेटा, कौन से तरीकों से, ऐसा कौन सा तरीका है जो ज्यादा ढलान में मिट्टी के कटाव को कम करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक द सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप? जो ढलान के विपरीत अपन कटाव करेगा, कटाव कम करेगा, वो है आंसर टेरेस कल्टिवेशन। राइट आंसर इज टेरेस कल्टिवेशन जो है वो सही जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके 40 से 40 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आपको अब उत्सुकता होगी होगी, अब आपको एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि अब कट ऑफ क्या जाएगी और कॉलेज कौन सा मिलने वाला है, आगे हमको क्या करना है, हमको सर हमको पता नहीं है। ठीक है, जल्द ही बहुत सारी वीडियोस जो हैं हम आपके माध्यम से वापस लाइव मिलेंगे, कैसे ऑप्शन फॉर्म भरना है, कैसे कट ऑफ जाएगी, कौन सा कॉलेज किस कट ऑफ पे मिलने वाला है, किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जाने वाली है, सब कुछ जो आपके मन में चल रहा है वो सब आपके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपकी हर शंका को दूर किया जाएगा। और भी कोई इंक्वायरी करनी है एडमिशन रिगार्डिंग, क्योंकि सुपरवाइजर के बैच चालू हो चुके हैं, जो बच्चे अभी 12th अभी जेट दिया है, जेट के रिजल्ट में और काउंसलिंग में भी थोड़ा सा हो सकता है मैनेजमेंट का मतलब ये टाइमिंग लेगा इतना पूरा, क्योंकि काउंसलिंग भी इसमें 3-4 काउंसलिंग होती है, तब तक आप खाली ना बैठें। आप हमारी तरफ से एनसी के परिवार की तरफ से सुपरवाइजर का ऑनलाइन कोर्स चालू हो चुका है, जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं वो ये आपको देने के लिए एग्जाम दे सकते हैं, जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली है। इसमें एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपने जेट में जो एग्रीकल्चर पढ़ी है बेटा 60 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमी एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर 60 क्वेश्चन आपने जो पढ़े उसी में से आएगा। तैयारी करनी है आपको केवल किसकी, आपके जीके जिसके आते हैं 25 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन हिंदी की, इसके अच्छे से तैयारी करनी है और यही जो है वो आपके सुपरवाइजर बनना नहीं बनना ये डिसाइड करता है। तो 3000 रुपए बहुत ही कम फीस पर आपको ऑनलाइन कोर्स जो है अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, आप जुड़िए, कोई भी समस्या है इस नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, सभी के बहुत ही उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूं, सभी को राधे राधे।